الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بعد بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من अन्न الله بقلب سليم صدق الله العظيم. बुजुर्गान महतरम आजसभा भाइयों दोस्तों अज़ीज़ों परदानशीन ख़वातीन ख़वात माएँ पहने और बेटियाँ इंसान की ज़िंदगी में सबसे अहम तीन दिन हैं एक जिस दिन इंसान पैदा होता है वो बहुत अहम दिन है इसलिए कि जिसने इस दुनिया में कदम रखा उसको अपने मसाइल मसाइब शैतान नफ्स का मुकाबला करना है अब ये देखना है कि ये अल्लाह की मर्जी पर चलेगा या नामर्जियात पर चलेगा अब ये देखना है कि अपने नफ्स पर अमल करेगा या अल्लाह परमल करेगा तो इंसान की ज़िंदगी का एक बहुत अहम दिन जो है वो उसकी विलादत का दिन है इसीलिए नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने विलादत के दिन के बाब में कुछ आदाब कुछ सुन्नतें, कुछ बातें ज़िक्र फरमाई और इरशाद फरमाया कि उसके एक कान में अजान दी जाए, दूसरे कान में इकामत कही जाए उसके साथ उसकी तहनीक की जाएँ अल्लाह ताला के हवाले उसको करके दुआ की जाए ये वो आदाब हैं जो पैदाइश के मौके पर हुआ करते हैं तो इंसान की ज़िंदगी का एक बहुत अहम दिन इसकी पैदाइश है दूसरा वो दिन इंसान की ज़िंदगी का बहुत अहम है जिस दिन वो इस दुनिया से रुखसत होने वाला है यानी मौत जिस दिन इसको दुनिया से जाना है वो दिन इंतहाई अहम दिन है इसलिए कि उसी पर फैसला होने वाला है अब आखिरत का उसी पर फैसला होने वाला है अब दायमी जन्नत या दायमी जहन्नब का आया ईमान के साथ जा रहा है या बिलाईमान के जा रहा है इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है अतबार बिलखातम एतबार खात्मे का है बहुत सी रिवायतों से पता चलता है कि इंसान सारी ज़िंदगी अच्छे काम करता है मरने के मौक़े पर तकदीर गालिब आ जाती है और वो बेईमान दुनिया से चला जाता है और बहुत सी रिवायतों से ये पता चलता है कि इंसान पूरी ज़िंदगी अमल कुफ्र अमल मासी करता रहता है मरते वक्त तकदीर गालिब आ जाती है वो ईमान के साथ चला जाता है इसीलिए खैबर के मौके पर एक साहिब थे जो बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे लाशाजा व फाजा अगर कोई अकेला मिलता उसको भी वो नहीं छोड़ता था और जमात मिलती उसको भी वो नहीं छोड़ता था यह आदमी मुसलमानों के डिफेंस में था मुसलमानों की तरफ से लड़ रहा था और बड़ी बहादुरी से साहब कराम ने जब उनको देखा तो फरमाया कि यारसोल्ला बड़ी बहादुरी से लड़ रहा है मुसलमानों की तरफ़ से ये तो पूरे पूरा जन्नती मालूम होता है हज़रत ने फरमाया मिन नार फरमाया ये जहन्नमी है इतनी बहादुरी से लड़ रहा है और हज़रत कह रहे हैं कि वो जहन्नमी है मसला ये हुआ कि जब ये बात सुनी तो एक सहाबी रजी अल्लाह तू उसके अमल को देखने के लिए पीछे पीछे हो गए जब वो चलता तो सहाबी भी चलते जब वो रुकता तो सहाबी भी रुकते ईदा वकफ़ व वक़ तो वहीदा मशा मशही तो वो चलता तो मैं भी चलता वो रुकता तो मैं भी रुकता यहाँ तक कि दुश्मन की तरफ से उस पर हमला हुआ उसको तीर लगा वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपनी तलवार को यूं सीधी रखी और अपना पेट उस पर रख करके खुदकुशी कर ली वो सहाबी जो उसके पीछे थे वो वापस दौड़ते दौड़ते आए और फरमाया कि वसल्लम मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अशहदु का रसूल अल्लाह फरमाए क्या मसला हुआ फरमाया जिसको आपने जहन्नमी कहा था वो आखिरी वक्त में ऐसा ही अमल करके गया जिसकी वजह से वो जहन्नम का मुस्तक हुआ नबी अक्रम हज़रत बिलाल से फरमाया बिलाल ऐलान कर दो कि अल्लाह ताला तो फासिक फासीको फाजिर से भी काम लेता है ये इंतहाई फासिक था फाजिर था आखिरी वक्त में कैसा काम कर लिया लेकिन अल्लाह ने उससे भी काम लिया हमारे हजरत ने उस्ताद मोहतरम ने शेख ने बखारी शरीफ में जब यह हदीस आई मगाजी में तो यूं फरमाया था कि दीन का काम करने वालों को नाज नहीं करना चाहिए ये कि मैं पढ़ा रहा हूँ मैं तदरीस कर रहा हूँ मैं नमाज पढ़ रहा हूँ मैं तबलीग कर रहा हूँ मैं दावत दे रहा हूँ मैं मुसालहत करा रहा हूँ मैं लोगों के काम कर रहा हूँ दिन का काम करने वालों को कभी भी नाज और तकबर नहीं करना चाहिए कहीं ऐसा न हो कि फासिक को फाजिर की फहरिस्त में नाम न हो हक आला तो ऐसों से भी काम लिया करता है बल्कि अगर दीन का काम अदा हो जाए तो शुक्र अदा कर लेना चाहिए अल्लाह का शुक्र अदा कर लेना चाहिए कि रब करीम तू ने मुझसे यह काम लिया कि मैंने यह काम उम्मत का ज़रूरत का दीन का कर दिया तो बहरहाल इससे यह मालूम होता है कि मौत का वक्त बड़ा सख्त वक्त है वो वक्त अभी बहुत कथन है उसी पर फैसला होने वाला है कि इंसान नारी होगा या जन्नती होगा दायमी जन्नत है या दायमी जहन्नम है ईमान के साथ जा रहा है या बिलाई ईमान के जा रहा है ये एक दूसरा दिन है हमारे अकाबिर में बहुत बड़े मुफसर है अलामा राजी रहमतुल्लाह बहुत बड़े मुफसर है अल्मा के वफात के मौके पर हजरत बोल रहे थे कि ला 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 जरा सा इफाक हुआ तो लोगों ने पूछा कि हजरत आप किस से बात कर रहे थे फरमाया कि शैतान मेरे सामने आया और उसने यूं कहा कि सारी जिंदगी मैंने फंसाने की कोशिश की लेकिन तू बच गया तो मैंने कहा कि ला अभी नहीं बचा हूं जब तक के ख़ातिमा ईमान पर ना हो जाए जब तक के ला के साथ रवाना ना हो जाओ इसीलिए जनाब नबी करीम करीमलम आखिरी वक्त में अल्लाफ़ी कल अल्लाफ़ी कल आला बोलते रहे आखिरी रफ़ी के आला का लफ्ज़ बोला और हाथ गिर गया इसीलिए फरमाया वु रब का हत्या अकल यकीन यकिन बना मौत है और मौत को कुरान ने यकीन इसलिए कहा कि सारे मसाइल में अख्तिलाफ है मौत में कोई इख्तलाफ नहीं है इसलिए कुरान उसको यकीन कह रहा है और वाबुद बमाना इबादत नहीं वाबुद बमाना ईमान है इसलिए कि इबादत तो कभी माफ भी हो जाती है वो ने मसला लिखा है कि अगर छह नमाजों तक कोई आदमी बेहोश रहा सिक्स नमाजों तक कोई आदमी बेहोश रहा उसको कजा नहीं करना है ये नमाजें माफ हो गई छ के अंदर अंदर है तो कजा करना है लेकिन छ नमाजें हो गई बेहोशी के आलम में शरीयत ने उसको माफ करार दिया अगर पूरा रमजान का महीना कोई बेहोश रहा और यकुम शव्वा यकुम रमजान से लेकर शव्वाल के चांद तक होश में नहीं आया वो सारे रोजे उस पर माफ हो जाते हैं इबादत तो कभी माफ हो भी जाती है लेकिन ईमान कभी माफ नहीं होता किसी हालत में ईमान माफ नहीं होता दुश्मन की तलवार सर पे रखी हुई है और वो कले में कुफ्र बुलवाना चाहता है ऐसे मौके पर भी कुरान कहता है कि अगर तू बर्दाश्त न कर सकता हो इसकी मार को तो इस सूरत में तू कले में कुफ्र बोल ले, लेकिन दिल में फिर भी ईमान होना चाहिए वकलब हो मुतमिन ईमान दिल तेरा जो है ईमान के ऊपर होना चाहिए तो ईमान कभी माफ नहीं होता है यहां इबादत ईमान है अब तर्जमा हो रहा है कल यकीन ईमान को बाकी रखो मौत तक यानी मौत तक ईमान को बाकी रखना है तो बहरहाल दूसरा हमारी जिंदगी का सबसे अहम दिन जो है वो इंसान की मौत है तीसरा हमारी जिंदगी का सबसे अहम दिन जो है वो योमल कियामा है वो का दिन है जिस दिन अल्लाह के सामने हजूरी होगी हाजिरी होगी हिसाब देना होगा वो सबसे अहम दिन है ये तीन दिन जिंदगी के सबसे अहम है इसीलिए हदीस शरीफ में नबी अक्रम सल्ला वसलम ने अबू सफियान रदी अल्लाह तु को फरमाया था या अबा सुन अंतुम तुम न कमा तह तुम मरोगे ऐसे जैसे जियोगे तुम्हारी जिंदगी जैसी चलेगी वैसी मौत होगी वह तुम कमा अकमा और तुम दो पै जिंदा किए जाओगे जैसे तुम्हारी मौत होगी यानी जिस कलमे पर मौत हुई है उसी के ऊपर तुमको जिंदा किया जाएगा कयामत के दिन तो ये तीन जिंदगी के दिन बहुत अहम दिन है मैंने और आपने जिंदगी का अहम दिन समझ रखा है जिस दिन निकाह हुआ हो उस दिन को अहम समझ रखा है जिस दिन बच्चा हुआ हो हमने इसको अहम समझ रखा है हकीकत यह है कि ये तीन दिन बहुत अहम है और इसकी दलील कुरान करीम से है कि इसीलिए ईसा सलात ने फरमाया था असलामी तो वयम अमू तो वयम उब आसो हैया सलामती दे मुझे जिस दिन के मेरी पैदाइश हुई व यौम अमूतु और जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन भी तू मुझे सलामती देना और जिस दिन मैं दोबारा जिंदा किया जाऊंगा व यौम उबअथु हय्या जिस दिन मैं दोबारा जिंदा किया जाऊंगा तब भी मुझे सलामती देना कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ईसा अली व सलाम की इस बात को नकल करके कुरान के पढ़ने वालों को यह बताया कि देखो खूब सुन लो जिंदगी के सबसे अहम जो है वो ये तीन दिन है यो व यौम अमूतु व यौम मब अफ्या अब हमारी विलादत का दिन तो हमारे हाथों से चला गया लेकिन हमारे सामने अब दो दिन है एक यौ में मौत है और एक यौ में आखिरत है ये दो दिन हमारे सामने है इन दोनों दिनों को हमें ऐसे दिन बनाने चाहिए कि जिसके बुनियाद पर हो हो हमसे राजी हो जाए हमारे लिए रजामंदी का फैसला फरमा दे ऐसे बन कर के हम अल्लाह सामने जाए इसलिए मेरे भाइयों अपनी जिंदगी को इतनी साफ सुथरी बनाए इतनी साफ सुथरी बनाए हदीस शरीफ में है लेकुल शई इन सकाला व सकालतुल कलम फरमाया हर चीज को साफ करने वाली कोई ना कोई चीज है और दिल को साफ करने वाला अल्लाह का जिक्र है मैंने कल की मजलिस में भी बताया था अला बेजिक्री कुलूब याद रखो दिलों को सुकून अल्लाह के जिक्र से मिलता है एक मेरी बौद्धि है इस बौद्धि को जो है खाने से सुकून पीने से सुकून और एयर कंडीशन से सुकून या हीटिंग से सुकून इन चीजों से सुकून मिलता है और 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 किसी अच्छी चीज को पी लेने से इस बॉडी को सुकून मिलता है लेकिन रूह को जो सुकून मिलता है वो इन चीज़ों से नहीं रूह को सुकून मिलता है अल्लाह की यादों से अल्लाह की इबादत से अल्लाह के जिक्र से अल्लाह की तिलावत से आपने बहुत नाम सुना होगा अलामा इकबार का दुनिया उनको जानती है ईमान का तर्जमान था वो ईमान का तर्जमान था ये मैं नहीं कह रहा हूँ हमारे अकाबिर उनके बाप बापे कह रहे हैं कि वो ईमान का तर्जमान था और ईमान की वो तर्जमानी फरमाई है कि दुनिया हैरान है ऐसी तर्जमानी से आपने अपने अशार के जरिए से जो ईमान को तर्जमानी की है उनकी इज्जत का मकाम ये था कि के हदीस और करद मुंसरीम का इमाम अलावर शाह साहब कश्मीरी रहमत लाई इतने बड़े महदिस लेकिन इकबाल जब अशार शुरू फरमाते थे हजरत शाहब के पास आकर तो हजरत शाह साहब बीमारी के बावजूद सोए हुए होते थे बैठ जाया करते थे और फरमाते थे इकबाल तेरे अशार ने ईमान ताजा कर दिया तो ईमान के तर्जमान थे जब आखिरी जिंदगी में वो बीमार हो गए लाहौर में आपकी वफात हुई और आप बीमार हो गए और आपको गले की कोई बीमारी लग गई और जिसकी वजह से वो न ज़्यादा बोल पाते थे ना कुछ कर पाते थे तो लोग इयादत के लिए पहुँचे कुछ उलमा इयादत के लिए पहुँचे इकबाल तो से पूछा कि तबीयत कैसी है खैरियत है आप तो मैं और आप हम जैसे होते तो हम ये कहते खाना नहीं खाया जा रहा है पानी नहीं पिया जा रहा है सौख बहुत है कमजोरी बहुत है फला है मुझको फला है दुनिया भर की हम बातें करते अकबाल ने हालांकि आपसे मुतालिक उन दिनों के हालात लिख के हैं कि हफ्ता गुजर जाता था कि बड़ी मुश्किल से लिक्विड चंद चीजें जाया करती थी और कुछ खाना नहीं जाता था वो लिक्विड चंद चीजें पेट में जाती थी इसलिए कि कोई बहुत बड़ा अंदर में दुमबुल निकल आया था अल्लाह तला हम सबकी हिफाजत फरमाए तो इतना इतनी परेशानियाँ और और खाना ना खाना और पानी न जाना इन तमाम के बावजूद जब इयादत करने वाले आपसे पूछ रहे हैं कि हजरत तबीयत कैसी है तो हजरत का जुमला अल्लामा इकबाल का जुमला सुनकर हाय हमारी जबान आश अश करती है कि अल्लाह अकबर कैसा अल्लाह का बंदा था जवाब दिया सब कुछ ठीक है लेकिन तहज्जुद में उठकर कुरान पढ़ने की जो लज्जत थी वो चली गई है तहज्जुद में उठकर कुरान पढ़ने की जो लज्जत थी यानी मैं जो कुरान पढ़ता था तहज्जुद में उठकर वो मैं अब नहीं पढ़ पाता हूँ मेरे गले के दर्द की वजह से मेरी आवाज न निकलने की वजह से वो मेरी लज्जत चली गई है और ये कहते कहते रोते रहे और इन्हीं गम और अफसोस में कि मैं अल्लाह के कुरान की तिलावत नहीं कर पाता हूँ आखिरी तीन दिनों में आपकी वफात हो गई तो हकीकत यह है कि हमारा विलादत का दिन तो चला गया अब हमारे पास दो दिन है यौमा अमूतु व यौम उबात एक जिस दिन हम मरेंगे और एक जो आखिरत का हमारा दिन जिस दिन जिस हमें अल्लाह के सामने हाजिरी देना है ये दिन दो दिन हमारे सामने हैं इन दोनों दिनों को हमें अल्लाह की मर्जी के मुताबिक बनाना है तला की रजा के मुताबिक बनाना है इसीलिए मैंने

कि इंसान अपनी परेशानियों में अपने माल पर एतम कर लेता है कि मेरे पास पैसा है मैं डॉक्टर का इलाज करा लूंगा मेरे पास पैसा है मैं सफर करके फला जगह चला जाऊंगा मेरे पास पैसा है मैं इस तरह अपनी जिंदगी को गुजार लूंगा मेरी औलाद है जो मुझको मदद करेगी मेरी औलाद है जो मेरा ताउन करेगी दुनिया में इंसान को कॉन्फिडेंस और एतमाद होता है अपनी औलाद पर अपने माल पर फरमाते हैं कयामत का दिन वो दिन है लायन फिस माल भी काम नहीं आएगा वला बनून और तुम्हारी औलाद भी काम नहीं आएगी और बनून का लफ्ज इस्तेमाल करके अल्लामा राजी लिखते हैं कि अल्लाह ने इशारा किया कि हमेशा बाप बेटों से मदद लेता है बेटियों से मदद नहीं लेता इसलिए कि बेटियों के पास जो है वो उसके शोहर का हुआ करता है एक लतीफा है इसके अंदर कि बेटियों के, के पास जो माल हुआ करता है वो तो उसके शोहर का है अगर बेटियों से मदद लेगा तो वो उसके शोहर का माल होगा कहीं ऐसा ना हो कि बेटी अपने शोहर की इजाजत के बगैर अपने पेरेंट्स और अपने माँ बाप पर खर्च कर दें तो ऐसा न हो कि नाहक का माल आ जाए इसलिए बनात के बजाय बनून का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया कि इंसान जो है वो दुनिया के अंदर अपनी औलाद से मदद लिया करता है लेकिन कयामत के दिन इस तरह का कोई मसला नहीं होगा न बेतों की मदद होगी न माल की मदद होगी जिस दिन इनमें से कोई चीज हमें काम आने वाली नहीं है उस दिन अगर काम आ सकता है तो मेरी और आपकी इबादत मेरी और आपकी रजा मेरे और आपके आमाल मेरी और आपकी जिंदगी खूबसूरत जिंदगी जो होगी वही कयामत के दिन हमें बचा सकती है और हमें काम आ सकती है यौम मलाय फाउ माल वला बनून उस दिन न माल काम आएगा न औलाद काम आएगी और कौन काम आएगा इलाम्ला बिन सलीम जो कल्ब सलीम लेकर के आया जो साफ सुथरा दिल लेकर के अल्लाह के दरबार में हाजिर हुआ वही उसके काम आने वाला है तो हजूर पाक फरमाते हैं सकालतुलिक्र फरमाया हर चीज़ को साफ करने वाली कोई ना कोई चीज है दिलों को साफ करने वाला अल्लाह का जिक्र है अला बेजिकमाकलूब लोग पूछते हैं कि आया इबादत का बेनिफिट इस दुनिया में भी मिल सकता है जी इस दुनिया में भी इस इबादत का बेनिफिट मिल सकता है और वो ये है अल्लाह सुकून नसीब अल्लाह दिलों को इत्मीनान नसीब फरमा देते हैं इबादत की वजह से हमारे अकाबिर में हजरत शाह साहब साब मोहदस रहमतुल्लाह अलैह हमारे अकाबिर में से अजीब गरीब शख्सियत गुजरी है शाह वलीउल्लाह साहब ने एक मरतबा मिंबर पर चढ़कर मस्जिद के मिंबर से एक खुतबा दिया था और उस खुतबे में फरमाया था हम जो रातों में उठकर अल्लाह की इबादत करते हैं और उस इबादत में हमें जो लज्जत आती है अगर सलाती ने हिंदुस्तान को यानी हिंदुस्तान की मुग़ल या सल्तनत के बादशाहों को हमारी इस लज्जत का पता चले तो हमसे खींचने के लिए छीनने के लिए हमारे गले काट देंगे हमें वो लज्जत आया करती है मेरे भाइयों अहल्ला से पूछो कि कैसी लज्जत उनको आती है रातों में उठ करके जब वो अल्लाह की इबादत करते हैं हमारे हादी इमदादुल्ला साहब महाजिर मक्की रमतल अलैह मक्के शरीफ आखिरी जिंदगी आपने गुजारी आपका एक शर है उस शहर को पढ़ते हुए आपने रात गुजार दी है रात का एक हिस्सा तो आपने तहजद में गुजारा उसके बाद दुआ में चले गए और दुआ में जाने के बाद आप अल्लाह के सामने ये कहते रहे ए खुदा इम बंदा ए मासी ए खुदा ई बंदा महासियम बदम मन, मन जाहिर मकुन गर बदम मन सिर मन जाहिर मकुन इसको पढ़ते पढ़ते फजर की अजान हो गई ए अल्लाह तेरा गुनहगार बंदा तेरे दरबार में हाजिर हुआ है ए अल्लाह मैं गुनहगार और बुरा भी हूं तू तो मेरे राज को जाहिर ना करना हजरत पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसीलिए हदीस शरीफ में हमें दुआ सिखाई अल्लाहुम्मा ला तुखजीनी ऐ अल्लाह तू मुझे जलील न करना फइन्नका आलिम तो खूब जानता है मुझे दुआ है अल्लाह से ये दुआ करो अल्लाहुम्मा ला तुखजीनी अल्लाह तू तु मुझे जलील न करना फइन्नका आलिम तू तो मुझे खूब जानता है मेरी खलवत मेरी जलवत मेरी रात मेरा दिन मेरी मेरी मजलिसें मेरी प्राइवेट जिंदगी तो खूब जानता है मेरा दिल मेरा बाहर तो खूब जानता है दुनिया में एक इंसान मेरा इतना सा राज जाहिर कर देता है तो वो हर वक्त हमको दराता रहता है विक पॉइंट मेरे पास है तेरा विक पॉइंट मेरे पास है मैं तुझे जलील कर दूंगा मैं तुझे रुसवा कर दूंगा बल्कि लोग बदनाम करने के लिए दोस्ती करते हैं कुर्बान जाइए जौजी दोस्त से दो गुना नुकसान है एक शहर है मुझे इस वक्त तो उसके अल्फाज याद नहीं ये शहर का तर्जमा मुझे याद आ गया दुश्मन से एक गुना नुकसान है और दोस्त से दो गुना नुकसान है कहा दुश्मन तेरी बात को नहीं जानता जरा सा जानता है तो तुझे इतना सा रुसवा करेगा लेकिन दोस्त तेरी बहुत सारी बातों पर वाकिफ है वो कल को जब तेरी बदनामी पर आएगा तो तेरी जिल्लतियों के धजागरे और तेरी जिल्लतियों के जो है चित्रे कर देगा और फार देगा तेरी जिंदगी को तो इब्न कम रहमतुल्लाह आलि फरमाते हैं कि दुश्मन से इतना नजर जितना कि तुझे दोस्त से डरना चाहिए इसीलिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहबीब हबीबका हव नम्मा असा अकून बगीज वबगीज़ बगीज बगीजा हव नम्मा यकून हबीबक यौम मम्मा त्रिमिदी शरीफ की रिवायत है अपने दोस्तों से इतनी दोस्ती करो कि खुश होकर दोस्ती में आकर सारी रास की बातें न कह दो कल को दुश्मन बनेगा तुम्हे पछताना पड़ेगा कुर्बान जाइए ऐसी नसीहत मेरे आका फरमा रहे हैं जो मेरे वालिद भी नहीं करते जो मेरी माँ ने भी नहीं की ऐसी नसीहत फरमा रहे हउ नम्मा हवन का माना थोड़ा नीचे उतर कर असा अयून हबीबका योम अपने दोस्तों से इतनी दोस्ती करो कि सारी रातें न कह दो कभी खुशी में और कभी फ में कभी मोहब्बत में इतने खुल गए आपके सारी बातें उसको कह दी फरमाया सारी रात ना कहो कल को जब तेरा दुश्मन बनेगा तुझे परेशान होना पड़ेगा पछताना पड़ेगा और फरमाया अपने दुश्मन से इतनी भी दुश्मनी ना करो कल को दोस्त बन जाए तो तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े इतनी दुश्मनी भी ना करो न दोस्तों से इतनी दोस्ती करो कि सारी रास् की बात कह दो और न दुश्मन से इतनी दुश्मनी करो कि जो है उसको इतना जलील करो कि कल को वो ईद के दिन मुसाफे के लिए आ जाए तो तुम्हें शर्मिंदगी उठाना पड़े आका आकाम की कितनी बेहतरीन नसीहत है ये तिरमिदी शरीफ की रिवायत है इसीलिए हजूर पाकल्म ने हमको दुआ सिखाई अल्लाह तखजीनी फ्न का आलिम अल्लाह मुझे जलील न करना तू तो खूब जानता है मुझे कि मेरे अंदर कितने मासी, कितने गुनाह और कितनी गंदगियां हैं और आगे फरमाया वाला तो आदिब नहीं, और तू अजाब भी ना देना इसलिए कि तुझे तो बड़ी कुदरत है अजाब देने की तू पकड़ सकता है मुझको और फिर अल्लाह के अजाब के तरीके मेरे भाइयों बड़े निराले हैं बहुत निराले है सिर्फ ये नहीं कि वो दौलत कभी छीन लेता है इज्जत छीन लेता है गरीबी डाल देता है बीमारी डाल ये सिर्फ नहीं है उसके उसकी जो है पकड़ के तरीक बड़े अजीब व गरीब है एक इसराइली रिवायत में है कि बनी इसराइल में एक आदमी बड़ा गुनहगार था बड़ा आशी था और इसियान और बेहयाई और महासी और गुना हद दर्जा वो करता रहता था और उसके साथ गुरूर था तकबर था इतराहत थी इसलिए कि दौलत भी खूब इज्जत भी खूब बावजूद इतना गुनहगार होने के लोग उसके पास आते थे उसकी इज्जत किया करते थे उसने एक मरतबा मूसा आसमाम को बतौर मजाक के यूं कहा कि मूसा तू तो कहता है कि जब कोई अल्लाह का नाफरमान बनता है अल्लाह उस पर अजाब उतारता है अल्लाह उसको जलील करता है अल्लाह फला करता है मैं देख रहा हूँ कि मैं इतने गुनाह कर रहा हूँ जिना मेरे घर में हो रहा है और महाशी मेरे घर में हो रहे हैं न मेरा माल कम हो रहा है न मेरी इज्जत में कोई कमी आ रही है कोई चीज़ मेरी कम नहीं हो रही है मालूम होता है मूसा तो झूठा है हजरत मूस आल सलासल्लाम कलीम थे अल्लाह से बहुत बातें करते थे बहुत बातें करते थे इसीलिए अम्बिया व तस्लीम में किसी नबी ने इस जमीन पर रहते हुए अल्लाह के दीदार को नहीं मांगा सिर्फ मूसा ने मांगा मूसा कलीम थे बहुत बातें करते थे अल्लाह से तो इसी दरमियान अल्लाह से कह दिया रबारी मैं तुझे देखना चाहता हूँ अल्लाह तला ने फरमायानीजबल नहीं देख सकते इस दुनिया में रहते हुए क्यामत में यकीन इनशा अल्लाह तल्ला का दीदार होगा बहरहाल हजरत मूसा आल सलासलाम कलीम थे अल्लाह से बहुत बातें करते थे जब कोहेतूर पर रब्बे करीम से बातों के लिए पहुँचे हैं तो उस मौके पर आपने इस इस गुनहगार की बात को अल्लाह के सामने पेश किया और फरमाया कि अल्लाह वो जो इतना बड़ा गुनहगार है और ऊपर से तूने इज्जत भी दी दौलत भी दी और कोई मसले में कमी ही नहीं हो रही है उसकी किसी मसले में कोई मसला नहीं हो रहा है मतलब यह है कि न उसको जिल्लती आ रही है न गरीबी आ रही है अब हाल ये हो गया है कि उसको देख कर और लोग भी गुनाह कर रहे हैं कि जब इसको कुछ नहीं हो रहा है तो हमें क्या होगा गुनाह करने से अल्लाह वो इमाम बना हुआ है गुनाहों का इमाम बना हुआ है और लोग उसके जरिए से गलत इस्तेलाल कर रहे हैं फरमाया मूसा उसे कह देना कि मेरा अजाब तो उस पर उतरा है उसको एहसास नहीं हुआ फरमाया क्या अल्लाह मुझे बता तो सही कि क्या तूने उस पर अजाब डाला है फरमाया मैंने मेरी मुनाजात और मुझसे मांगने और मुझसे दुआ करने और मेरी इबादत की लज्जत से उसे मरूम कर दिया है ये भी है जब इंसान बहुत महासी में मुबतला होता है तो इस सूरत में दौलत भी अपनी जगह रह जाती है इज्जत भी अपनी जगह रह जाती है शोहरत भी अपनी जगह रह जाती है बहुत शोहरत बहुत इज्जत बहुत दौलत सब कुछ है अल्लाह अपनी इबादत छुड़वा देता है अल्लाह दुआओं से महरूम कर देता है अल्लाह ताला मांगने का जो शौक होता है उसे महरूम कर देता है उसका दिल अल्लाह की तरफ लगता ही नहीं वो अल्लाह की तरफ जाता ही नहीं ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक अजाब है लेकिन लोग इसको अजाब नहीं समझ रहे हैं लोग उसको अल्लाह ताला की पकड़ नहीं समझ रहे हैं, तो अल्लाह तो हसनी फ़िन का आलि अल्लाह तो मुझे जलील न करना तो यकीनन आलिम है मुझे जानता है मेरी बुराइयों को जानता है मेरी मासी को जानता है वाला तो अदिबनी फ़ान्न कादिर और अल्लाह तो मुझे सज़ा न देना मुझे अजाब न देना यकीन तुझे कुदरत है कि तू मुझे अजाब दे सकता है हज़रतमाम गज़ाली रहा ने किसी बुज़ुर्ग का कौल हिया में नक़ल किया है फ़रमाया कि हजरत आदमत वसलाम से बशरी तकाज़े की वजह से तकाज़ बशरीत की वजह से शजर ममनवा जिस चीज़ से मना किया था उसको खा लिया तो अल्लाह ने उसी वक्त उनके कपड़े उतार दिए और कपड़े उतारने के लिए कोई फरिश्ता नहीं भेजना पड़ा कि जो जाकर कपड़े उतारे वहां तो हुक्म चलता है कुन, कुन का मसला है कपड़े उतार दिए उतर गए कपड़े बरहना हो गए वरकिल जन्ना अबुल कासिम कुशहरी हमारे सूफियाए नक्शबंदिया में से हैं अजीब गरीब शख्सियत गुजरी है उन्होंने हया की सात किस्में लिखी है जहां बुखारी शरीफ में रिवायत आती है कि अल हया उमिन ईमान हया ईमान का शोबा है ईमान का हिस्सा है तो उसके जिम्न में इसी हदीस शरीफ को सामने रखकर उन्होंने हया की सात किस्में लिखी उसमें एक किस्म ये लिखी है कि हया इस्तफार हया इस्तफार का माना जब बड़ों के सामने कोई गुना हो जाए तो अपने मुंह को छुपाते फिरना यह हया इस्तफार है फरमाया कि हजरत आदम अपना मुंह छुपा रहे अपने कपड़े पर पत्ते लपेट रहे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, आदम हमसे भाग रहे हो फरमाया ला बल हया ए मैं तुझसे हया कर रहा हूँ मुंह क्या दिखाओ अल्लामा अबुलकाशहरी रहमत अलैह इस हदीस शरीफ को नकल करके कि ला बल हया अमीन का ए अल्लाह मैं तुझसे हया करता हूं अजीब और गरीब जुमला लिखते हैं रिसाल कुहरिया के अंदर आपने फरमाया अफसोस है कि आदम ममनुआ को खाकर अपने आप को छुपाते फिर रहे हैं और हम बेशुमार गुनाह को करके भी अल्लाह के सामने तकबर करते फिर रहे कभी हमारे दिल पर यह भी नहीं होता कि मेरे रब ने मुझको देखा है इस काम को करते हुए इस गुनाह को करते हुए और इस महाशी को करते हुए तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि इंसान को अल्लाह की तरफ रुजू होना चाहिए तो हजरत आदमत ने शजर को जिस चीज को मना किया था उसको खा लिया जिसके नतीजे में क्या हुआ कपड़े उतर गए इमाम गजाली ने किसी बुजुर्ग का कौल हिया में नकल किया फरमाते हैं कि अल्लाह को आज भी वो ताकत है कि जब मैं कोई गुनाह करूं तो मेरी बीवी के सामने मेरे बच्चों के सामने मेरे माँ बाप के सामने मेरे रिश्तेदारों के सामने या चलते हुए रोड पर अल्लाह कुन कह करके मेरे कपड़ों को उतार सकता है उसके लिए किसी फौज की मिलिट्री की पुलिस की कोई जरूरत नहीं, नहीं देखा अभी दो चार दिन पहले ही कि जब उसने इसनो इतना गिराया इतना गिराया यहाँ अमेरिका के अंदर के छः फीट और साठ फीट नतीजा ये हुआ कि लाइट भी चली गई और हीटिंग भी चला गया और दरवाजे भी ना खुले और एम्बुलेंस भी नहीं पहुंची और गाड़ियां भी अंदर में दब गई और गाड़ियों के अंदर से निकल भी न सके और बेशुमार लोगों की मौत हो गई जो 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 मुल्क अपने आप को सुपर ताकत कहता है अल्लाह ने सिर्फ इसलों के जरिए से बेबस बना दिया ये अल्लाह को किसी फौज मिलतरी की जरूरत नहीं है हवा उसकी फौज है उसने कौम आत को इसी हवा से हलाक किया था पानी उसकी फौज है कौम नूह को अल्लाह ने इसी से हलाक किया था और 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 चीख मारना ये अल्लाह की एक फ़ौज है उसी के जरिए से हकआल शाह ने हजरतम की कौम को जो है मौत के घात उतार दिया था तो ये ये जो है और तेज़ हवा है शदीद बारिश है सैलाब और फ्लड का आ जाना है आसमानों से बिजली का गिर जाना है ये सब के सब अल्लाह की फौज है अल्लाह की मिलट्री है वो जब चाहता है कर दिया करता है तो हजरत इमाम गजाली लिखते हैं कि जिस आदम को अल्लाह ने उसी वक्त कुन कह करके बग़ैर कपड़ों के कर दिया था वो मुझे भी मेरे मासी पर मेरे गुनाह पर मेरी औलाद के सामने मेरी बीवी के सामने मेरे बच्चों के सामने मेरे माँ बाप के सामने चलते हुए रास्ते पर वो मेरे कपड़ों को जहां मैंने गलत नज़र उठाई वो कर सकता है कि कुन उतर जा और मेरे कपड़े उतर सकते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है फरमाया ए मासी करने वाले सुनो इमाम गुजा, इमाम गजाली का जुमला फरमाया ए मासी का करने वाले तो अपने ऊपर नाज न करना तो मोहम्मद की दुआओं से बचा हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआएं हैं इस उम्मत के लिए उसकी वजह से तो बचा हुआ है तो मेरे भाइयों हकीकत यह है कि अल्लाह का जिक्र इसके जरिए से दिलों की सफाई होती है और यही वो अमल है जो आ, जो है कल्ब सलीम कहा जाता है साफ सुथरा दिल है और तला का एक मिजाज है कि वो अपने मोमिन बंदों को जो है वो कम देता है और अपने नाफरमानों को जो है बहुत देता है इसलिए कि दुनिया में मसला ये भी है कि हम जब किसी नॉन मुस्लिम की दौलत को उसके इस्टरस उसके मकाम को और उसकी शान शौकत को और उसकी इज्जत को और उसकी हुकूमत को और उसकी शोहरत को जब देखते हैं तो हमारे मुंह में भी पानी आने लगता है क़ुरान करीब में है वलोकानासदल लजालना लिब सकफ़तम वारिया फरमाया अगर इन मुसलमानों के अपना ईमान छोड़ने का खतरा ना होता तो मैं इन मेरे नाफरमान बंदों के मकानों को और उनकी छतों को मारिज़ा और उनकी सीरियों को चांदी की बना देता यानी इतनी दौलत उनको देता इतनी दौलत उनको देता कि ये सब चांदी के हो जाते चांदी के मैं बना देता लेकिन खतरा ये है कि उनकी इस दौलत को देख करके ये मोमिन अपना ईमान न छोड़ दे उनको हक न समझ ले साहिब रूहुल मानी ने लिखा है कि हमारे ईमान को बचाने के लिए बावजूद है कि अल्लाह ने उनके लिए ये दुनिया जन्नत बनाई है अ दुनिया जन्नत काफिर काफिर के लिए ये जन्नत है जन्नत बनाई है लेकिन इसके बावजूद हमारे ईमान को बचाने के लिए इस जन्नत में अल्लाह ने उनको इतनी दौलत नहीं दी मालूम यह होता है कि अल्लाह अपने मोमिनों पर इतना शफीक है कि ईमान को बचाने के लिए अपने गैर बंदों को इतनी दौलत भी नहीं दे रहा है ये हमारे फायदे के लिए हमारे ईमान को बचा रहा है इसीलिए हजरत अकदस्तान भी रहमत फरमाया करते थे कि दुश्मनों को ऐसे आबो गिल दिया दुश्मनों को ऐसे आबो गिल दिया और दोस्तों को दर्द दिल दिया दोस्तों को अपना दर्द दिल दिया दुश्मनों को ऐसे आबो गिल दिया फरमाया आपने दुश्मन को बागियों को नाफरमानों को पानी और मिट्टी दी इसलिए कि हर चीज की हकीकत पानी और मिट्टी ही तो है शानदार मकान बना लो लेकिन मकान क्या है पानी और मिट्टी है बेहतरीन खाना खा लिया हकीकत यह है कि वो पानी और मिट्टी है उसके अलावा कुछ नहीं है खुद इंसान पानी और मिट्टी है कुछ मुद्दत के लिए कब्र में रख दो वो पानी और मिट्टी का मसला हो जाता है तो हजरत खानवी रहमत फरमाते हैं कि दुश्मनों को ऐश आबो गिल दिया यानी दुनिया के ऐश परस्ती और मोहब्बत दे दी और दोस्तों को अपना दर्द दिल दिया और अपने मोमिनों को अल्लाह ताला ने अपना दर्द दिल दिया यानी मेरी याद अल्लाह ताला ने फरमाया मेरी यादों में रहो और मेरी यादों में जो तुम्हें लज्जत आएगी वो उन लोगों को जो है दुनिया कमा करके भी लज्जत नहीं आएगी इसीलिए हमारे अकाबिर में से बाज बुजुर्गों का जुमला है फरमाते हैं कि हमें दो रक़ात इखलास के साथ नमाज पढ़ने में जो लज्जत आती है वो शानदार खाने में भी नहीं आती शाहफजल रहमान गंज मुरादाबादी रमोतल्ला ने फरमाया कि जब मैं कुरान शरीफ पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने मेरे मुंह पर गन्ने का रस डाल दिया फरमाया मैं जब सजदे में जाता हूँ अल्लाह के सामने तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने मुझे प्यार कर लिया अल्लाह ने मुझसे मोहब्बत कर ली अल्लाह ने अपने आगोश में मुझे ले लिया तो हकीकत यह है कि मोमिनों को जो अल्लाह ने ईमान दिया जो आमा की तोफीक दी ये मर्तबत नेमत है बंदों को चाहिए कि इस अजीमुल मर्तबत नेमत को बचाने की कोशिश करें और रब करीम से अपना ताल्लुक जोड़ें और मासी से अपने आप को बचाएं और गुनाहों से अपने आप को हत्यामकान बचाएं और अगर इंसानी तकाजे पर बशरी तकाज़े पर गुनाह हो जाए तो अस्तफार का अहमाम करें काम करें क्या चीज है मौजूद हैं मैं आजाब नहीं भेजूंगा अल्लाह कह रहा है जब तक आप इस जमीन पर मौजूद हैं मैं आजाब नहीं भेजूंगा अच्छा नबी जब न रहे तो फिर क्या होगा फरमाया अस्तगफार करने वाले जब तक मौजूद हैं मैं आजाब नहीं भेजूंगा मुफसरीन ने इस आयत के ज़ेल में एक अजीब नुक्ता लिखा है फरमाया नबी है तब भी आजाब नहीं और अस्तगफार है तब भी आजाब नहीं इसका मतलब यह निकला कि नबी न रहे लेकिन अस्तगार करने वाले रहें तो भी अल्लाह आजाब से बचाएगा तो अस्तगफार का मकाम नबी के बराबर है

और तुम्हारे लिए इल्म की नहर, अमल की नहर इसके खुदाबंदी की नहर मोहब्बत खुदाबंदी की नहर अल्लाह तुम्हारे लिए जारी कर देगा आमाल साल की तो इस्तार इसीलिए हमारे अकाबिर फरमाते कम से कम दिन में तीन सौ मरतबा इस्तफार करना चाहिए पचास सौ मरतबा नहीं कम से कम तीन सौ मरतबा इस्तफार करना चाहिए यह इस्तार दवा है अगर बशरी तक पर कोई गुना हो जाता है और मुझे और एक आयत सुन ले वालामकर सैली ये खूब याद रखो इंसान जो भी गुनाह करता है या गुनाह की तदबीर करता है कभी न कभी वो गुनाह उसी की तरफ लौट कर आएगा यह आयत बहुत डराने वाली आयत है। मैंने मसलन साजिश की इस बात की कि मैं इसको जलील करूं ये गुनाह का काम है कभी न कभी जिल्लती मुझ पर आएगी मैंने सोचा कि मैं इस बच्चे को दीन से दूर कर दूं तो यकीनन एक वक्त आएगा कि मेरी औलाद भी दीन से दूर हो जाए भला यही कुल यह मैं नहीं कह रहा हूं यह का, का फरमान है बला यही कुल मकर बे आहली और इस पर थानवी रही ने वाक बयान किया है हजरत ने बयान फरमाया कि एक जो है औरत और हस्बैंड वाइफ थे उनकी औलाद नहीं थी उन्होंने एक बच्चे को मतबन्ना बनाया था ले पालक बेटा बनाया था वो बच्चा घर में रहता था बड़ा हुआ सब्जी खरीदने गया तो उसने उसकी नजर बिगड़ी इस 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 माँ के ऊपर इस औरत के ऊपर चूंकि हकीकी माँ तो इसकी थी नहीं तो इसकी नज़र बिगड़ी इसके ऊपर और वो जब सब्जी देने लगा उस औरत को जिस जो जो जिसने इसको बेटा बनाया था तो उसने मोहब्बत में हाथ दबाया अब वो औरत यकीन पारसा थी पाक दामन थी उसको बहुत रोना आया कि ये क्या किया इसने मेरे घर में मैंने इसको पाला इसको बड़ा किया और आज मेरी तरफ इसने नजर बिगाड़ी है मेरा हाथ दबाया है खैर वो पाक दामन औरत शाम को जब शोहर आया तो उससे अपना वाकया सुनाया और कहा कि इस तरह का वाकया है अब मैं इस बच्चे को हमारे घर में रखना नहीं चाहती हूँ तो शोहर रोने लगा तो बीवी ने पूछा कि आपके रोने की वजह क्या है हजर थानवी रमतल ने यह वाक़ लिखा है फरमाया कि आपके रोने की वजह क्या है तो वो वो जो है हाथ में पहनने की जो चूड़ियाँ होती है वो उसके शोहर का कारोबार था बेचता था तो कहा ये तेरा कसूर नहीं मेरा कसूर है शोहर ने का. कहा कैसे आपका कहा एक औरत चूड़ी खरीदने आई और मैं उसको पहना रहा था और मेरे दिल में भी कुछ ख्वाहिश आई थी तो मैंने इसी तरह उसका हाथ दबाया था एक वक्त आया कि मेरे ही घर में मेरी बीवी का हाथ उस बच्चे से दबवाया गया जो मेरे घर का पला हुआ था मेरी बुराई मुझ मुझे पर लौट आई ये खूब सुन लो कुरान का फैसला है हमने जो मासी और गुनाह किए हैं वो कभी ना कभी हम पल लौटने वाले हैं वफात से पहले इसलिए हमें अपनी जिंदगी को पाकिजा बनाना चाहिए अल्लाह के लायक बनाना चाहिए बहरहाल ये ज़िंदगी कल को ख़त्म होने वाली है ऐसे साफ सुथरे बनकर के अल्लाह के सामने हम जाएँ जिसकी वजह से अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और अब हमारे लिए वफात के बाद रौजतुम रौजमर रियाजिल जन्ना और और जन्नत के बागीचे का फ़ैसला फरमा दे मौला मुफ्ती ज़रवली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह कौन नहीं जानता उनको बड़े मुफ्ती गुजरे हैं अभी करीब ज़माने में कोविड के ज़माने में उनका इंतकाल हो गया इल्म उनका बड़ा पुख्ता था बहुत मजबूत इल्म था उनका वाकयतन उनके बड़े दलाइल और उसके साथ साथ ठीक है उनके चंद मसाइल के अंदर अपने तफररुदात है लेकिन इल्म उनका बड़ा मजबूत था उनके इस्तेदलाल भी बहुत मजबूत होते थे तो बहरहाल मुफ्ती साहब ने अपनी वफात से एक हफ्ता पहले ख्वाब बयान किया है एक ठीक एक हफ्ता पहले कि मेरी मौत हो गई मुझे कबर में रखा गया और मेरी कबर को बंद कर दिया गया और मेरे पास जो है मुनकर नकीर सवाल के लिए हाजिर हुए तो बड़ी भयानक शकल में थे वो जब आए तो इतने में खूबसूरत इंसान जाहिर हुआ और उस खूबसूरत इंसान ने इन दोनों से कहा कि हतो तुम लोग यहां से कोई सवाल इससे ना करो तो कहा हम अल्लाह के मुक़ल्लफ़ है हमें तो सवाल करना ही है इसलिए कि अल्लाह ने हमको कहा है आप अल्लाह से कही तो उस खूबसूरत इंसान ने अल्लाह से रुझू किया और फरमाया कि अल्लाह इन दोनों को तू बुला ले वापस ताकि कोई सवाल ना करे खैर अल्लाह का हुक्म हुआ वो दोनों चले गए मुफ्ती साहब कह रहे हैं मैं मंजर देख रहा हूं पूरा कबर के अंदर कहा मैंने उस खूबसूरत इंसान से पूछा आप कौन है तो उसने कहा कि मैं तेरा कुरान हूं जो रोजाना तू तिलावत किया कर मैं तेरा कुरान हूं इसीलिए खत्म कुरान पर जो दुआ है इस वाह शीफी कबरी अल्लाह मेरी कबर में कुरान करीम को मूनिस बना देना गमखार बना देना मेरा साथी बना देना तो कहा मैं तेरा कुरान हूं और तू फिक्र न कर मैं कयामत तक तेरे साथ रहूंगा ये एक हफ्ता पहले उन्होंने ख्वाब देखा बयान किया है और एक हफ्ते के बाद उनकी वफात हो गई तो बहरहाल पाकिजा जिंदगी लेकर के हम जाएंगे तो इन श्ला कबर भी जन्नत का नमूना बनेगी और गंदी जिंदगी लेकर के जाएंगे तो फिर क़बर जहन्नम का नमूना बनेगी फिर दुनिया भी जहन्नम आखिरत भी जहन्नम अल्लाह हम सब को अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की तोहफ़े फ़रमाए वाला नबी करीम सुबह कसम का वत आला जत गु सुबह अल्लाह वमद ही आदद खलकी ही वानब से ही व जिनतारसी व मिदाद कलिमाती अल्लास आला सदना हबी बना व शफियाना وسندنا مولانا محمد مبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن تلاوتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسلك إيمانا كاملا اللهم إنا نسلك إيمانا دائما اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا اللهم إنا نسألك إيمانا دائما اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعيمها اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعيمها اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من المعثم والمغرم اللهم إنا نعوذ بك من المعثم والمغرم اللهم نقي خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم نقي خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولأزواجنا ولأولادنا

खूब वाकिफ है अल्लाह आप हमें रस्वा न फरमाइए अल्लाह दुनिया में भी रस्वा न फरमा कबर में भी रसुआ न फरमा आखिरत में भी रस्वा न करना अल्लाह वहाँ हमारे नबी होंगे हमारे वालदेन होंगे हमसे मिलने वाले होंगे हमारे शागिर्द होंगे ताल्लुक़ रखने वाले होंगे अल्लाह हमें जलील न फरमाना हमें रस्वा न करना अल्लाह हमारे कंधों पर हाथ रख कर हमें माफ़ कर देना अल्लाह हमारे कंधों पर हाथ रख कर हमें माफ़ कर देना हमारे कंधों पर हाथ रख कर हमें माफ़ कर देना अल्लाह इस वसलम ने जो फरमाया व्योम अमू तो व्योम या अह मौत के मौके पर भी हमें सलामती अता फरमा और क्यामत के दिन भी हमें सलामती अता फरमा जिल्लतियों से बचा रसवाइयों से बचा ए अल्लाह तेरी नाराजगी से बचा तेरे गजब से बचा ए अल्लाह तेरे कहर से बचा ए अल्लाह तेरी रजा वाली नजर हमें दुनिया में भी अता फरमा और बाद अल्लाह मरने के बाद भी अता फरमा और क्यामत के दिन भी अल्लाह हमें अता फ़रमाना अल्लाह हमारे अहलोयाल को माफ़ फरमा हमारे बीवी बच्चों को माफ़ फरमा हमारे मुतालिकीन महबूबीन को माफ फरमा ताल्लुक रखने वालों को अल्लाह एल्लाहबत करने वालों को हमारे मशाइक को हमारे शागिर्दों को हमसे अल्लाह मोहब्बत करने वालों को सब को माफ़ फरमा दे अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा मर्द औरत को माफ़ फरमा दे अपने निगाह करम सब पर डाल दे और निगाह गज़ब से अल्लाह सब की हिफाजत फरमा ले अल्लाह तू ने सत्तारी फरमाई है आइंदा भी हमारी सत्तारी फरमा लेना एलामीन जो मांग अपने फजल से अता फरमा नहीं मांगा अपने फ़जल से नसीब फरमा रिस्क के हलाल सबको अता फ़रमा हराम से हिफाजत फरमा कर्ज़ के बोझ से हम सब की हिफादत फरमा ना कहानी अचानक की मौत से हम सब की हिफाजत फरमा अल्ला जिंदगी बेहतर से बेहतर बनाने की हम सबको को अता फ़रमा हमारी दुआओं को अपने फ़जलो करम से कबूल फरमा वसल नबीना महमद वसाबी अजमैीन